हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आई एम योर हैंड राइटिंग टीचर नीलम फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स राइटिंग। स्टूडेंट, इन मैथ यू नो वी आर डन सम्स ऑफ एडिशन। हमने एडिशन के सम्स कर लिए हैं एंड आई होप आप सबको एडिशन के सम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज हम क्या करेंगे? सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, यू नो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। कौन से सम करने जा रहे हैं हम? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साइन माइनस। दिस इज साइन माइनस। सब्ट्रैक्शन का साइन कौन सा होता है? ये जो आप साइन देख रहे हो बुक में, ये होता है माइनस का साइन। कौन सा साइन होता है? माइनस का साइन। इससे पहले हमने एडिशन के सम्स किए थे जिसमें प्लस का साइन था, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज दिस वन। ओके, अब एडिशन में हम क्या करते थे? ऐड करते थे, काउंट करते थे सभी चीज़ों को। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? हमने माइनस करना है। हम इसे कुछ एग्जांपल के साथ आज समझेंगे, लेकिन बुक में हम जो सम है कल से स्टार्ट करेंगे। आज ओनली एग्जांपल के साथ हम इसे समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन के सम कैसे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, How many apples do we have? Count. 1, 2, 3. We have 3 apples. Okay. Now I take away 1 apple. 3 apple में से मैंने 1 apple को ले लिया। तो how many apples are left? 1, 2. 2 apples are left. तो answer is 2. तो यहाँ क्या था, एक बार हम फिर से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर we have 3 apples. I take away 1 apple. How many apples are left? 1, 2. 2 apples रह गए ना, तो इनमें से हमने 1 apple को ले लिया। उसके बाद हमें count करने हैं कि कितने apples बचे हैं। तो जितनी बचे होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट या नंबर बच जाते हैं, उसे हमें काउंट करना है और अपने आंसर में राइट करना है। ओके, अब हम 2 एग्जांपल्स और लेंगे। ये देखिए, हाउ मैनी पेन्स वी हैव। अब देखिए, इन पेन्स को काउंट कीजिए। हाउ मैनी पेन्स वी हैव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 pens. Okay. If I take away 2 pens, मैंने यहाँ से 2 pens ले लिए। How many pens are left? Count कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5. कितने pen बचे हैं हमारे पास यहाँ पे? 5 pens are left. तो our answer is 5. Okay. इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेंगे। ये देखिए, यहाँ कुछ पेंसिल्स हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स वी हैव? 1, 2, 3, 4, 5. वी हैव 5 पेंसिल्स। इफ आई टेक अवे 3 पेंसिल्स, अगर मैं 3 पेंसिल्स यहाँ से ले लेती हूँ, तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट? 1, 2. 2 pencils are left. तो our answer is 2. 1, 2. Our answer is 2. Okay student, इसी तरह हमने subtraction के sum करने होते हैं। आज हमने कुछ example के साथ सिर्फ subtraction के sum को समझा है। कल से हम subtraction के sum आपको book में numbers के through करवाएंगे। Okay?
बाय स्टूडेंट. इन इंग्लिश वी हैव डन कलर्स नेम. हमने कलर्स नेम कंप्लीट किए हैं और हमने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है. आई होप आप सबको कलर्स नेम बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे अब. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज अगेन पार्ट्स ऑफ बॉडी. हम एक बार फिर से पार्ट्स ऑफ बॉडी की रिवीजन करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हेड. ह ए ड हेड. नेक्स्ट नोज. न ओ स नोज. नेक्स्ट ईयर. ई अ र ईयर. नेक्स्ट लेग. लिप. ई ई फ लिप. नेक्स्ट फुट. ऊ ठ फुट. नेक्स्ट लेग. ई ए ग लेग. ई ए ग लेग. नेक्स्ट हैंड. ह ए न ड हैंड. नेक्स्ट चेस्ट. च ए स ट चेस्ट. नेक्स्ट चिन. च ई न चिन. नेक्स्ट नेक. न ए ख नेक. ओके स्टूडेंट, आपको इन 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी को एक बार फिर से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इसे विद साउंड आपने लर्न भी करना है. ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्क. दी वी आर डूइंग छोटी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगती है और इसका उच्चारण फास्ट होता है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज अगेन छोटी ई की मात्रा. मैं छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द आपको स्पीक करूँगी, आपने उन्हें राइट करना है. ओके, फर्स्ट लिखिए सिर. सिर. स स को छोटी ई की मात्रा. र सिर. नेक्स्ट रवि. र व व को छोटी ई की मात्रा. रवि. नेक्स्ट पिन. प प को छोटी ई की मात्रा. न पिन. नेक्स्ट किसान. क क को छोटी ई की मात्रा. स स को आ की मात्रा. न किसान. नेक्स्ट
सितार, स, स को छोटी की मात्रा, त, त को आ की मात्रा, र, सितार। नेक्स्ट पिकनिक, पिक, प, प को छोटी ई की मात्रा, क, फिर न, न को छोटी ई की मात्रा, क, पिकनिक। नेक्स्ट किशमिश, क, क को छोटी की मात्रा, श, फिर म, म को छोटी की मात्रा, श, किशमिश। ओके, इसी तरह आपको 2, 3 और 4 अक्षर के शब्दों के साथ छोटी की मात्रा की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्ड।